మనకి మేనిఫెస్టో బీజేపీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తున్నారు చూద్దాం. హైదరాబాద్ లో అమిత్ షా మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తున్నారు బీజేపీకి సంబంధించి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. మిల్నా చాలూ హై, ముఫ్త్ మే 5 కిలో రాషన్ ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి మాహ మిల్ రహా హై, ఔర్ మోదీ జీ నే ఘోషణా కీ హై కి అగ్లే 5 సాల్ తక్ యే చాలూ రహేగా. లగ్భగ్ లగ్భగ్ జన్ ధన్ అకౌంట్ 1 కరోడ్ 10 లాఖ ఖులే, ఔర్ ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజనా 12,000 किलोमीटर लंबी करी. इसके सामने जो तेलंगाना के खैरखां बनकर केसीआर की पार्टी टीआरएस सत्ता में आई, इन्होंने क्या किया? हैदराबाद मुक्ति संग्राम लगभग 400 दिनों के बाद तेलंगाना को आजादी मिली. वो क्रूर शासन से देश के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुक्ति दिलाई, और केसीआर ने ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का हमेशा कन्ने काटा. हैदराबाद की स्पिरिट को, तेलंगाना की स्पिरिट को वहीं से तुष्टीकरण की भेंट देने का काम केसीआर ने किया. केसीआर के नेतृत्व में आज तेलंगाना लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र बन गया है, और प्रजातंत्र परिवार तंत्र बन गया है. उनका एकमात्र लक्ष्य, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का लक्ष्य होता है अपनी जनता की भलाई करना. उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और कोई लक्ष्य नहीं है. नीलू निधुलू और नियामक कालू, ये तीन सूत्रों के साथ वो सत्ता पर आए थे, वादा किया था. हम लोग भी दूर से देखते थे, बड़ी आशा के साथ देखते थे कि नए राज्य की शुरुआत हुई है, अब कुछ अच्छा होगा. मगर हुआ क्या? पहले नीलू की बात करते हैं. कालेश्वरम घोटाला हुआ, 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,35,000 करोड़ का हो गया, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना लगभग लगभग 2015 में इसकी आधारशिला रखी, 32,250 करोड़ खर्च हो गया, मगर अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है. इसी तरह निधुलू की बात करें तो इनके परिवार का गबन का ये तेलंगाना सरकार जरिया बन गई. 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ, 370 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज ये लगभग लगभग 7 लाख करोड़ के ऋण में डूबा हुआ राज्य है. 370 करोड़ के सरप्लस से 7 लाख करोड़ के ऋण में जाना ये बहुत बड़ी बात है, और वो इनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ है. तेलंगाना सरकार पर अभी 3,66,000 करोड़ का ऋण है, और निगमों पर अलग से 3,80,000 करोड़ का ऋण है. तो तेलंगाना को 7.5 लाख करोड़ के ऋण में डुबाने का काम इन्होंने किया है. और मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा कोई भी मुख्यमंत्री करता है तो मन में आकांक्षा होती है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से मेरे राज्य को क्या फायदा होगा, मेरे राज्य की जनता को क्या फायदा होगा. यहां उल्टा है. केसीआर मेगा प्रोजेक्ट की साइज इसलिए बड़ी तय करते हैं कि इसमें कमीशन ज्यादा मिल पाए. उनका एकमात्र लक्ष्य मेगा प्रोजेक्ट्स में से कमीशन लेना है. जहां तक नियामक आलू का सवाल है, रोजगारी का सवाल है, 17 टाइम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, ट्यूशन के पैसे युवाओं के खत्म हो गए, और कई लोगों ने आत्महत्या की, 2 लाख से अधिक पद भरना बाकी है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में कोई भर्ती नहीं की गई, विश्वविद्यालय में 3,000 से ज्यादा पद रिक्त है, जूनियर और डिग्री कॉलेज में 8,000 से ज्यादा पद रिक्त है, और शिक्षा के लिए आवंटन जो 10.89% था वो घटकर
6.24% हो गया। यही बताता है कि उन्होंने क्या किया है। ढेर सारे वादे जो उन्होंने किए हैं, वादा खिलाफी करने का काम किया, 1,00,000 नौकरी